हम लोग का ऐसा प्रतिनिधि सुनील पांडे ऐसा कोई नहीं है कि सुनील पांडे फिर से एक बार वापस फिर आए, क्योंकि वो पिछले 5 साल में बहुत कुछ किए हैं। बताइए बाबू, जो हो तो वह करे था रमा प्रसाद को नया नया वैसा तो कुछ करते नहीं बाबू, हमने के बोल नहीं झगड़ा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज, मैं हूं विशाल। और बात चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लोगों की राय अलग अलग है और जनता का मत सबसे ज़्यादा जरूरी है। जनता की राय क्या है, यह जानने के लिए चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र के कारवाशिन गांव में। यहां कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार उनका विकास का मुद्दा क्या होगा, आखिर किन मुद्दों पर इस बार वो अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, क्या चाहते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सत्येंद्र राय हुआ। क्या इस तरारी विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसे देखना चाहेंगे आप? हम लोग सुनील पांडे को देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि अगर आते हैं जीतकर तो विकास करेंगे? एकदम विकास करेंगे। पिछले 5 सालों में हुआ विकास? कुछ तो चूक हो गया है कि हम लोग दूसरा विधायक को चुने हैं, लेकिन वह चूक के मुताबिक हम लोग कोई पार्टी के नहीं हैं। हम लोग का प्रतिनिधि चाहिए, हम लोग का ऐसा प्रतिनिधि सुनील पांडे ऐसा कोई नहीं है। हम लोग सुनील पांडे के फुल बहुमत करते हैं। तो सुनील पांडे जब पीछे विधायक थे तो उस समय कुछ काम किए थे? बहुत काम किए थे। क्या काम हुआ था? बहुत, यहाँ पुल बनवा दिए, आपको लाइन ले आ दिए, बहुत चीज़ किए हैं, सड़क बनवाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी भैया, धर्मेंद्र कुमार राय। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसे आप देखना चाहते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र से? जी सुनील पांडे। सुनील पांडे को ही? सुनील पांडे ही। जी सुनील पांडे इसलिए को विकास पुरुष माने जाते हैं और वो विकास करते हैं दबाकर, ठीक है। हमारे गाँव में भी काम किए हैं, सामुदायिक भवन हुआ, बिजली का काम हुआ, ऐसे बहुत सारे काम। पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा माले ने यहाँ से जीत हासिल की थी, क्या लगता है कुछ कार्य किए हैं विधायक जी? जी नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए बाबा, आपका नाम क्या है? बताइए बाबू, जो हो तो वह करे था, कुछ कैल रहन जे नया नया वैसा तो कुछ करते नहीं। क्या के कैले रहे? अरे ये सुनील पाए कहा लो ने, ये कुछ किए थे? कुछ कैले रहन बोलेनु आई मुख्यमंत्री के तो हाँ वो कुछ करे थन, बाकी हई जे लोग माले ताले लोग हई कहाँ लोग कुछ करे थे। जीत के वोट तो हमने दे दी थी, मगर काम कुछ नहीं क्या कोई। एगो हाउ सड़क रहे, ओहू में एक ट्रक छाई गिर के काम खत्म हो गए, का फाइनल हो गए, रोड बन गए। अब का कह जा तो पीछे कुछ अब बाबू हमने के बोल नहीं झगड़ा करके कलम से बात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शिवशंकर चौधरी। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में किसे देखना चाहते हैं तरारे विधानसभा क्षेत्र से? हाँ सर, हम लोग तो सुनील पांडे के ही करेंगे। सुनील पांडे ही क्यों, क्या लगता है विकास करेंगे? जी कुछ काम किए थे पहले? हाँ पहले काम किए थे। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार राय। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा क्षेत्र में तरारी में किसे देखना चाहेंगे? सुनील पांडे को। सुनील पांडे ही क्यों आखिर? ये काम करके गए हैं ना, ये तो हम लोग चुप किए कि सुदामा प्रसाद जी को हम लोग वापस लाए, वो कुछ नहीं किए बस। तो क्या लगता है कि आने के बाद काम? हाँ काम होगा, विकास होगा। हाँ विकास होगा। चलिए, आप बताइए, आप युवा है और बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार छाया हुआ, क्या लगता है इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र से किसे देखेंगे? हम अभी वही सुनील पांडे को देखेंगे। तो क्या लगता है कि सुनील पांडे अगर आते हैं तो क्या युवाओं के लिए कुछ करेंगे? जरूर करेंगे, युवाओं के लिए जरूर करेंगे, काहे कि पहले भी किए हैं और अब की भी आएंगे तो अब की भी करेंगे, कैसे एकदम करेंगे, हम लोग का गारंटी है, विश्वास है को करेंगे। पिछले 5 सालों में कुछ हुआ? पिछले 5 साल में बहुत कुछ किए आदमी को, हम लोग का बहुत कुछ किए। नहीं नहीं, ये जो विधायक जी अभी थे भाकपा माले, नहीं नहीं ये कुछ एक कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं किए हम लोग के लिए, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में कुछ नहीं किए हैं, नहीं कहीं आए हैं नहीं गए हैं, कुछ नहीं किए हैं। बाकी सुनील पांडे जो पिछले थे वो बहुत कुछ हम लोग के कह के गए, बाकी अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या उनका कहना है और वह क्या सोचते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमर घर द्वार मिलते नहीं है, जमीन मिलते नहीं है, विधायक चुनी बढ़िया तो मिली, केकरा विधायक चुनो आपकी? हम किन को जाने के न जाने, किसी को नहीं। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रकाश राय है। ये बताइए कि आपकी
तरारी विधानसभा क्षेत्र से किसे चुनेंगे? हम लोग सुनील पांडे को सर, जो है ना, इसलिए कि विकास पुरुष हैं, ये बहुत विकास पहले से किए हैं। हाँ। क्या क्या हुआ था आपके जब मैंने इस रोड है, नली गली है, यही सब हम लोग कहें कि इसको और विकास कीजिए। तो क्या लगता है कि जो पिछले विधायक जी थे वो पिछले पांच साल कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, आए भी नहीं कभी। जो ये जो आपका मालिक है जो सुदामा प्रसाद, वो कभी आए भी नहीं हम लोग के पास। तो क्या लगता है कि इस बार आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे। ये आएंगे तो हम लोग कहें कि और हम लोग का विकास कीजिए, नौजवानों को जो है रोजगार दीजिए। आपसे मिलने आए थे क्या सुनील पांडे, कभी आपसे मिलने आए हैं? हाँ, हम मिलने। तो क्या कुछ एजेंडा बताएं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि हाँ विकास होगा उससे? नहीं, जो है वो तो बोले हैं कि जो है ना और हम ज़्यादा विकास करेंगे। हम लोग तो मांग करेंगे कि हम लोग गांव का जितना भी है, जो गली उली है, ये सब जो है, ये सब पक्कीकरण करवा दें, समझे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए कि इस बार तरारी से आप किसे देखना चाहते हैं? सुदामा प्रसाद को। सुदामा प्रसाद ही क्यों, क्या पाँच सालों में कुछ काम किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। क्या रोड किए हैं, समुदाय भवन गरीबों के लिए बनाए हैं, चापा पड़ता है तो जाते हैं, मरनी हरनी होता है तो जाते हैं, शादी ब्याह होता है तो जाते हैं, दिन रात हम लोगों का साथ रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? यहाँ तराड़ी विधान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार। तराड़ी से इस बार किसे देखना चाहेंगे? तराड़ी से पहले से सुदामा प्रसाद विधायक थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। गरीबों के मसीहा हैं, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये जितने लोग हैं उनका सुफला साफ होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर फिर से जीतते हैं तो विकास करेंगे? विकास पहले भी किए हैं और आज भी करेंगे। हैं कि उनका क्या कहना है, आप बताइए। तरारी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच सालों में कितना विकास हुआ, पहले अपना नाम बताइए। मनीष कुमार चौधरी। ये बताइए कि अब तरारी विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच साल में कितना विकास हुआ है? ये पिछले पाँच साल में तो हमको तो अभी तक कोई भी विकास का अथी महसूस नहीं हो रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में किसे आप देखना चाहते हैं तरारी से? देखिए, ऐसे तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं कि सुनील पांडे फिर से एक बार वापस फिर आए, क्योंकि वो पिछले पाँच साल में बहुत कुछ किए हैं। तो क्या आशा है कि अगर आएंगे तो इस बार भी विकास करेंगे? हाँ बिल्कुल, जब जो व्यक्ति जब पहले कर सकता है तो बाद में भी कर सकता है, उस पर विश्वास है, उस पर गर्व है। वो अपना क्षेत्र में हर तरफ जदयू में थे तो बहुत विकास किए थे, हर तरफ कार्य कर अपना किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आपने कारवासिन गांव में हम पहुँचे थे चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में। आपने देखा कि किस तरह से जनता ने अपना अलग अलग राय बताया, जनता के मन में है क्या वह भी बता दिया, किन विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे, जिसे यह चाहते हैं कि जो आए तो विकास करे, यह सब इन्होंने बताया। ऐसे ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहिए, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।